भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये जो प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल माह से बिजली की दरों व पीने के पानी की दरों में जो वृद्धि की गई है इसकी कड़ी निंदा करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जो बिजली व पानी की दरों में जो वृद्धि की गई है इसको तुरंत वापस ले और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की जो गारंटी दी गई थी उसको जो है तुरंत प्रभाव से लागू कर जनता को जो है वो राहत प्रदान करे। यदि प्रदेश सरकार जो है इस निर्णय को तुरंत वापस नहीं लेती है तो हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है वो प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएगी और सरकार के इस जनविरोधी निर्णय को बदलने के लिए जो है संघर्ष करेगी। यदि देखा जाए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जनवरी माह में जो है वो 3 रुपये प्रति लीटर डीजल की दरों में वृद्धि की गई थी जिसके चलते महंगाई जो है वो प्रदेश के अंदर बढ़ी है और इसके साथ साथ अभी जो है अप्रैल माह से 22 पैसे से लेकर 46 पैसे प्रति यूनिट तक जो है वो बिजली की दरों में वृद्धि कर दी गई है और इसके साथ साथ जो है जो पेयजल है उसकी दरों में भी जो है अप्रैल माह से 10% की वृद्धि की गई जिसके चलते जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उससे पहले ही जो है प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त है और आज इन नीतियों के चलते जनता जो है बेरोजगारी महंगाई व असमानता से जो है वो जूझ रही है और इन बिजली व पेयजल की दरों में वृद्धि के चलते जो है जनता पर और अधिक जो है वो महंगाई बढ़ेगी और इससे आर्थिक बोझ जो है बढ़ेगा। इसके साथ साथ शिमला शहर के अंदर अप्रैल से जो है जो कूड़ा उठाने की फीस है वो उसमें भी जो है 10% की वृद्धि की गई है और ये जो पहले 106 रुपये जो है पिछले वर्ष लिया जाता था वो अब 117 रुपये कर दी गई है। पिछले 5 वर्षों में ये वृद्धि कर जो है इसमें 300% की वृद्धि कर दी गई है क्योंकि वर्ष 2017 में कूड़ा उठाने की जो घरेलू दरें थी वो जो है 40 रुपये प्रति माह थी जिसको बढ़ाकर अब 117 रुपये कर दी। यदि हम देखें केंद्र की भाजपा की सरकार उसके चलते व्यापक बेरोजगारी व्यापक महंगाई व व्यापक असमानता जो है देश व प्रदेश में बढ़ रही है परंतु कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से ये जो मूलभूत आवश्यकताएं इनकी दरों में वृद्धि कर रही है इसके चलते जो है जनता और त्रस्त रहेगी। इन सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर जो है हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है निरंतर आंदोलनरत रही है। हम